उदयपुर में बीरवास स्थित जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में आरएनटी मेडिकल कॉलेज से कोरोना एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भेजने का क्रम जारी है। अब तक यहां 125 मरीजों को भर्ती कराया जा चुका है। यहां डॉक्टर मरीजों की देखभाल और उनका इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मरीजों की सकारात्मक सोच बढ़े और बीमारी से लड़ने के लिए वो अंदर से मजबूत हों, उसके लिए उनका स्वस्थ मनोरंजन भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए मरीजों से विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा ने बताया कि जीबीएच जनरल हॉस्पिटल बेडवास के तीसरे से पांचवें मंजिल तक कोरोना मरीजों के भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इन मरीजों में 17 बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। इन मरीजों को दिन भर क्वारंटाइन सेंटर में उपचार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए व्यस्त रखने के लिए चिकित्सक गतिविधियां भी आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पांचवी मंजिल पर भर्ती मरीजों को डॉक्टर्स द्वारा ड्राइंग शीट व स्केच कलर्स मुहैया कराकर पेंटिंग्स बनवाई गई। इससे बच्चे करीब 3 घंटे तक सिर्फ इसी में व्यस्त रहे। इस तरह शाम के समय वार्ड में सभी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मरीजों ने अपने बेड पर ही मौजूद रहकर अंताक्षरी खेली। बच्चे, बड़े और जवान सभी गीत माला में व्यस्त हो गए और ठहाके लगाकर मनोरंजन किया। डॉक्टर झा ने बताया कि मरीजों को वार्ड में स्टाफ और नर्सेस 24 घंटे मौजूद रहकर किसी न किसी गतिविधियों में व्यस्त रख रहे हैं। ऐसे में मरीज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करता है और उनका बीमारी से ध्यान भी हटता है। वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। सुबह की चाय से शुरू होने वाली दिनचर्या में मरीजों को नाश्ता, दवाई, लंच और डिनर समयबद्ध तरीके से मुहैया करवाया जा रहा है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।